Hi guys, I am Pratiksha Chauhan, your Polity educator on Arpita Sharma Classes. We are going to cover today topic Parliament. Before we resume, here is a wonderful announcement. An Academy is launching new batches from 1st February 2021 for your UPSC, CSE journey, equipped with India's best educators. It is an iconic subscription where you will be getting your personal coach as well. Who will guide you in the entire preparation journey right from prelims till interview? Unacademic iconic prices will increase on 31st January. Beat the price hike and get your subscription now and get 10% discount by using Sharma 20. How to get the iconic subscription? Download the Unacademy learning app, register and sign on the app. Select the goal as UPSC GS. Select Iconic and choose the duration which suits you best. Enter referral code Sharma 20 to get 10% instant discount. Iconic subscription is the premium subscription of unacademy It offers India's best educator, personal coach, means question and answer, practice study, planner, experts, guides, interactive live classes, structure courses, and PDFs, and live tests and quizzes. Hurry up, get your आइकॉन सब्सक्रिप्शन नाउ पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट लेट एस डिस्कस मोर अबाउट पार्लियामेंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फाइव में आर्टिकल सेवेंटी नाइन से आर्टिकल वन ट्वेंटी टू तक आता है आर्टिकल सेवेंटी नाइन के हिसाब से पार्लियामेंट डील करता है प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पीपल मींस लोकसभा काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का पार्ट नहीं होते हैं वेदर इट्स लोकसभा और राज्यसभा पर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा गया है इसका ऑरिजन इंग्लैंड में हुआ आते हैं हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा की स्ट्रेंथ 552 होनी चाहिए पर एटी अमेंडमेंट 2001 के थ्रू लोकसभा सीट एक्सटेंड कर दी गई 2026 तक के लिए प्रेजेंट में लोकसभा में 545 सीट्स हैं जिसमें से स्टेट को 530 थर्टी सीट्स हैं यूनियन टेरिटरीज में 13 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन से टू मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा का टेन्योर फाइव इयर्स का होता है पहले यह प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व हो सकती थी एज पर आर्टिकल 352 फिफ्टी टू ऑफ़ लोकसभा को बढ़ा या एक्सटेंड कर दिया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल पर से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती है इमरजेंसी होने के बाद एक्सटेंशन सिक्स मंथ से ज्यादा फोर्स में नहीं होना चाहिए अब कुछ क्वालिफिकेशन भी है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए 25 इयर्स की एज से कम नहीं होना चाहिए किसी भी इंडियन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर वोटर होना चाहिए कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए अब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी हैं, जो कि हैं अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के वक्त अगर सिटीजनशिप में फ्रॉड पाया जाता है अगर किसी और देश की सिटीजनशिप लेता है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई होता है और डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ बाय पार्लियामेंट सो इट इज ऑल अबाउट टेनियोर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। सीट्स ऑफ एमपी पी कैसे होती है अगर वो रिजाइन देता है चेयरमैन या स्पीकर को अगर 60 डेज के लिए एब्सेंट या मौजूद नहीं रहता है विदाउट परमिशन हाउस से निकाल दिया जाता है ओवर रूल द विप और अगर इलेक्ट होता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अब कुछ पावर है लोकसभा की जो कि है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं ना कि राज्यसभा में आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उसे लोकसभा डिसअप्रूव कर सकती है इन स्पेशल सिटिंग लोकसभा के लीडर कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर अब आता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर चीफ प्रोसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के स्पीकर होते हैं जब नई लोकसभा बनती है तब टू मेंबर इलेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी लोकसभा के मेंबर होते हैं स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर स्पीकर जैसा काम करते हैं लोकसभा के डिसोल्यूशन के बाद भी स्पीकर ऑफिस संभालता है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं मिलती है लॉक को हटाने के लिए कास्टिंग वोट की एक्सरसाइज जारी रखती है सैलरी एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है स्पीकर रिजाइन डिप्टी स्पीकर को करते हैं और डिप्टी स्पीकर रिजाइन स्पीकर को करते हैं स्पीकर मीटिंग ऑफ हाउसेज को कंडक्ट करते हैं और उनका डिसीजन फाइनल माना जाता है लेट अस टॉक अबाउट पावर ऑफ स्पीकर स्पीकर डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं हिज डिसीजन इज फाइनल स्पीकर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप के स्पीकर चेयर्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जर्नल पर्पस कमेटी रूल्स कमेटी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर के अंदर काम करती है कमेटी के चेयरपर्सन को स्पीकर अपॉइंट करते हैं लोकसभा की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए व्यवस्था और डेक्योरम के लिए काम करते हैं सीक्रेट सिटिंग को बुलाते हैं प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर के बारे में डिसाइड करते हैं एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ विच इज डिफाइंड इन टेंथ शेड्यूल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ डिस्कस अबाउट राज्यसभा फोर्थ शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं जिसमें से स्टेट के पास 229 सीट्स होती हैं एंड यूनियन टेरिटरीज के पास फोर एंड 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं वन थर्ड मेंबर्स हर साल रिटायर होते हैं और न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं राज्यसभा का टर्म सिक्स ईयर्स का होता है राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन होती है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए थर्टी ऑफ एज से कम नहीं होना चाहिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए अब पावर ऑफ राज्यसभा है आर्टिकल 67 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए रेजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा में आर्टिकल 312 में है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस की पोस्ट पार्लियामेंट द्वारा क्रिएट की गई है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने के प्रस्ताव केवल राज्यसभा में हो सकते हैं यह आर्टिकल 249 में दिया गया है अब ऑफिस ऑफ of राज्यसभा में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं चेयरमैन एक्स ऑफिस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन राज्यसभा का पार्ट नहीं होता है राज्यसभा की मीटिंग को कंडक्ट करता है जब तक वो प्रेसिडेंट की तरह काम ना करे प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी होने पर अगर वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाएगा तो उन्हें इस पद से भी हटाया जाएगा ऑफिस से तब हटाया जाता है जब राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होती है एप्सोल्यूट मेजॉरिटी में और सिंपल मेजोरिटी के थ्रू लोकसभा में अप्रूव होती है अब डिप्टी चेयरमैन इस राज्यसभा मेंबर इलेक्ट करते हैं चेयरमैन की एबसेंट में डिप्टी चेयरमैन फंक्शन करते हैं ऑफिस को छोड़ना पड़ता है अगर राज्यसभा के मेंबर हैं रेजोल्यूशन के थ्रू भी रिमूव हो सकते हैं अब हम समझते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिल्स ऑर्डनरी बिल मनी बिल फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑर्डनरी बिल है जो इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल लोकसभा में केवल इंट्रोड्यूस होता है फाइनेंशियल बिल भी केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी दोनों हाउसेस में से कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है ऑर्डनरी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है मनी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है और फाइनेंशियल बिल में भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है ऑर्डिनेरी बिल जो होता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है मनी बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है और फाइनेंशियल बिल भी सिंपल मेजोरिटी से पास होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है वो सिंपल या स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है बोथ हाउसेस में सेपरेटली और अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट और ऑर्डनरी बिल ज्वाइंट सेशन में भी हो सकता है और मनी बिल में कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है फाइनेंशियल बिल में ज्वाइंट सेशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है इफ वन हाउस रिजेक्ट बिल देन इट कम्स टू एंड मतलब एक हाउस रिजेक्ट कर देता है तो वो बिल वहीं खत्म हो जाता है अब ऑर्डनरी बिल में प्रेसिडेंट के पास तीन विटो पावर्स होती हैं एप्सोल्यूट सस्पेंसिव एंड पॉकेट विटो मनी बिल में प्रेसिडेंट के पास चॉइस होती है कि वो रोक सकता है या हां कर सकता है या कन्वेंशन कैन नॉट होल्ड विथोड बिल आर्टिकल 11 में दिया गया है फाइनेंशियल बिल में भी प्रेसिडेंट के पास तीन विटो होती है एप्सल्यू सस्पेंसिव एंड पॉकेट विटो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट हैव टू गिव अटेंड टू द बिल मतलब प्रेसिडेंट को हां करना ही पड़ता है इस बिल के लिए सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं जनरली थ्री सेशन होते हैं इन अयर पहला बजट सेशन जो होता है फरवरी टू मे होता है मानसून सेशन होता है वो जुलाई टू सितंबर होता है विंटर सेशन होता है वो नवंबर टू दिसंबर होता है और जो पीरियड बिट्वीन द प्रोपेशन ऑफ अ हाउस एंड इस रीअेंबली इन अशन इज कॉल्ड रेसेस मतलब जो जो पीरियड होता है प्रपोगेशन ऑफ हाउस और रीअसेंबली के बीच का वो उसे रेसेस कहते हैं अब पहला सेशन आता है समनिंग विच इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट मतलब सारे मेंबर्स को बुलाना मीटिंग के लिए इट इज द ड्यूटी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी होती है कि मीटिंग के लिए बुलाना टाइम टू टाइम और द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन सिक्स मंथ मतलब जो दो सेशन ऑफ पार्लियामेंट का जो गैप होता है वो सिक्स मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर मतलब पार्लियामेंट ट्वाइस अ ईयर मिलना चाहिए अब आता है एजनमेंट सेशन इन दिस एजनमेंट सेशन सस्पेंस द वर्क इन अटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम विच मे बी आवर्स डेज और वीक्स मतलब कुछ देर के लिए काम को सस्पेंड कर देना भले वो कुछ आर हो सकते हैं कुछ दिन हो सकते हैं कुछ हफ्ते हो सकते हैं इन दिस केस द टाइम ऑफ एसेंबली इज स्पेसिफाइड इसमें मिलने का टाइम दोबारा मिलने का टाइम बताया जाता है एजर्नमेंट में अब एन एजर्नमेंट ओनली टर्मिनेट्स अटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस ये केवल सिटिंग को टर्मिनेट करता है केवल हटाता है ना कि सेशन को द पावर ऑफ एजर्मेंट लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इसमें एजर्मेंट मोशन की जो पावर होती है एजर्मेंट सेशन की वो किसके पास होती है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है अब आता है पार्लियामेंट का नेक्स्ट सेशन विच इज एजर्मेंट शांत विच मीन्स पार्लियामेंट इसमें टर्मिनेट करता है सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर अ इंडेफनाइट पीरियड मतलब इसमें कोई स्पेसिफाइड टाइम या डे नहीं बताता है कि असेंबली फिर से कब बैठेगी इसका पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है अब आता है प्रोरोगेशन इसमें है कि द टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ द हाउस बाय एन ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 85, फाइव क्लॉस टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें है कि जो टर्मिनेशन होता है सेशन का वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से होता है प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स बोथ सिटिंग एंड सेशन ऑफ दैट मतलब ये दोनों सिटिंग और सेशन ऑफ द हाउस दोनों टर्मिनेट करता है यूजली विद इन फ्यू डेज आफ्टर द हाउस इज अर्जेंट साइन डाय बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर द प्रेसिडेंट इश्यूज़ अ नोटिफिकेशन फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन मतलब प्रेसिडेंट इशू करता है कि अब असेंबली या सेशन या सिटिंग अब दोबारा बैठ सकती है इसके द प्रेसिडेंट कैन आल्सो प्रोग्यू द हाउस वैलिड सेशन मतलब प्रेसिडेंट जब सेशन चल रहा हो तब प्रोग्यू कर सकते हैं हाउस का अब आता है डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस और न्यू हाउस हाउसेस कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड मतलब ये जो तुरंत या प्रेजेंट का सिचुएशन सेशन चल रहा है वो खत्म कर देते हैं और न्यू हाउस जब तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है तब तक सेशन चालू नहीं होता है अब राज्यसभा बींग अ परमानेंट हाउस इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन केवल राज्यसभा में नहीं डिसोल्यूशन होता है केवल लोकसभा में होता है अब लोकसभा इंक्लूडिंग बिल्स मोशन रेजोल्यूशन नोटिस पेटिशन बिफोर लोकसभा जब डिजोल्व होती है जितने भी बिल्स मोशन रेजोल्यूशन नोटिस पेटिशन जितनी भी कुछ होती है पेंडिंग वो सब लैप्स हो जाते हैं आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के जो सेशन है वो कौन कौन ड करता है जैसे प्रोरोगेशन है वो डन बाय प्रेसिडेंट ड्यूशन है वो प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है एडजर्नमेंट सेशन जो होता है डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस दैट इज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन द लोकसभा और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इन द राज्यसभा आप कुछ डिवाइसेस और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं पहला है क्वेश्चन इसमें क्या है कि जो दिन की शुरुआत होती है वो क्वेश्चन आंसर शुरू होती है और इसमें जो मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर उसका आंसर देते हैं अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर होते हैं पहला है स्टेड जिसमें है कि ओरल आंसर मिनिस्टर देता है और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसा मिनिस्टर रिप्लाई कर सकता है अब स्टेट क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है जो मिनिस्टर होता है वो रिटर्न आंसर देता है और 15 डे नोटिस दी जाती है टू आस्क सच क्वेश्चन इसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है अब होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क मेंबर्स ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ अर्जेंट नेचर इसमें जो है मेंबर पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड आंसर्स पूछ सकता है और मिनिस्टर को उसका आंसर देना होता है इट इज अ स्पीकर फॉर द टू डिसाइड वेदर द मैटर इज अर्जेंट नेचर और नॉट अब ये स्पीकर डिसाइड करता है कि जो मैटर चल रहा है डिस्कशन का वो अर्जेंट है या नहीं

क्वेश्चन आर के बाद आता है जीरो आर जो कि दिन में शुरू होता है इसमें क्या होता है जो मेंबर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के इश्यूज को रेस करते हैं फॉर डिस्कशन अब हम डिस्कस करेंगे कट मोशन के बारे में इसमें अमाउंट ऑफ डिमांड को रिड्यूस किया जाता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा पेश की गई है ये तीन टाइप के होते हैं पहला है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट इस प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार की नीति का विरोध किया जाता है इसमें कहा जाता है कि मांग राशि स्पेसिफाइड राशि से घटाकर एक रुपए कर दी जाए दूसरा है इकोनॉमिक प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार के एक्सपेंस को कम करना है इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि को स्पेसिफाइड राशि की कटौती की जाए विपक्ष इस प्रस्ताव के जरिए सरकार की निंदा करता है थर्ड इज टोकन कट इस प्रस्ताव का उद्देश्य बजट की किसी कमी की ओर संकेत करता है इसमें कहा जाता है कि मांग राशि को सौ रुपए की कमी की जाए अब हम बात करते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन की विथ प्रियोर परमिशन ऑफ अ स्पीकर अ मेंबर मे कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस मिनिस्टर में टेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैटर और आस्क वॉट टाइम टू मेक स्टेटमेंट इसमें परमिशन ली जाती है स्पीकर की कि कि मेंबर बोलता है मिनिस्टर की अटेंशन चाहिए इन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सो मिनिस्टर इस बारे में ब्रीफ स्टेटमेंट तुरंत दे देता है या फिर टाइम मांगता है टू आंसर दिस अब हम बात करते हैं प्रिवलेंट मोशन की इसमें है कि पार्लियामेंट के किसी मेंबर को लगता है कि सेशन में झूठे तथ्यों को दिखाया जा रहा है तो वो प्रिविलेज मोशन का यूज करता है तो वह पार्लियामेंट सेशन में ब्रीच ऑफ प्रिवलेज प्रपोजल पेश करता है अब हम डिफरेंस पता करते हैं सेंशा मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में सेंशा मोशन जो होता है वो स्टेट करता है रीजन फॉर एडॉप्शन इन द लोकसभा वही नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो कोई रीजन नहीं देता है फॉर एडॉप्शन इन लोकसभा मोशन में ये जो होता है वो इंडिविजुअल मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में हो सकता है ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर होता है अब सेंसर मोशन जो होता है इट इज मूव फॉर सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है इट इज मूव फॉर एनसर्टनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो सेंशर ऑफ मोशन होता है इट इज पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन द ऑफिस मतलब ये लोकसभा में पास होता है अगर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है अब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है अगर ये लोकसभा में पास होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है अब आता है मोशन ऑफ थैंक्स द फर्स्ट सेशन after each general जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी year ईयर इट इज by बाय द प्रेसिडेंट मतलब जो पहला सेशन होता है जनरल इलेक्शन का या फिर जो पहला सेशन होता है फिस्कल ईयर का वो प्रेसिडेंट द्वारा एड्रेस किया जाता है उसमें प्रेसिडेंट आउटलाइन करते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द ईयर प्रिस इंश्योरिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट के बताते हैं हैं प्रेसिडेंट अब हम बात करते बजट की जो कि आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक है आर्टिकल 112 वन ये कहता है कि एवरी फाइनेंशियल ईयर द प्रेसिडेंट ले द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि हर फाइनेंशियल ईयर में प्रेसिडेंट जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करता है बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अब जो बजट क्या क्या कंटेन करता है वो है एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रेसिट्स वे एंड मीन्स टू रेज़ द रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रेसिप एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजन ऑफ ए डेफिसिट सरप्लस इन ईयर। फिफ्थ इज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग इन प्रॉस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू स्पेंडिंग प्रोग्रामीम नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड एस चार्ज एंड मेड फ्रॉम कॉन्सुलटेटेड फंड ऑफ इंडिया जो एक्सपेंस कॉन्सुलटेड फंड ऑफ इंडिया से हुए हैं उनको स्पेसिफाई किया जाता है

जो रेलवे बजट था वो 1924 में जनरल बजट से अलग हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्वर्थ कमिटी रिपोर्ट 1921